नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे SIP और लमसम के बारे में। दोस्तों दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इस वीडियो में आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एक सही डिसीजन आप अपने पैसे के लिए ले पाएंगे कि आप अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट करें या फिर आप अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट करें। दोस्तों दोनों टॉपिक पर डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक एग्जांपल के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर अब आपने अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और अगर आपने अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इस साइड आ जाएगा SIP और इस साइड हमारा आ जाएगा लमसम। तो दोस्तों इन टॉपिक्स पर ही आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा SIP के बारे में। देखिए SIP आखिर है क्या? SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप अपने पैसे को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। SIP में हमें एक बेनिफिट यह भी मिलता है कि अगर आपको मार्केट की कोई समझ नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं और आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और साथ ही साथ SIP में आप अपने छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आप SIP में ₹500 महीना से भी आप स्टार्टिंग SIP में कर सकते हैं। वही बात करें लमसम की, दोस्तों लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट हाथ में चाहिए, तभी आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। और साथ ही साथ यहां आपको मार्केट की समझ भी होनी जरूरी है। दोस्तों अगर लमसम से आपको प्रॉफिट लेना है तो कम से कम ₹50,000 आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप यहां से एक बेहतर रिटर्न ले पाएंगे। दोस्तों अब मैं एक एग्जांपल से दोनों को मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पर दो हम मान लेते हैं, एक तो हो गया हमारे साथ यहां पर अभिषेक और इस साइड आ गया हमारे साथ ये सूरज। देखिए अभिषेक क्या करता है और सूरज क्या करता है। देखिए अभिषेक ₹1,000 महीना की एक SIP कराता है 10 साल के लिए, ₹1,000 प्रति महीना, और यहां पर हम ड्यूरेशन रख देते हैं 10 इयर्स। 10 इयर्स की हमने ड्यूरेशन रख दी है इसमें। ₹1,000 महीना की SIP कराता है, 10 साल तक SIP को चलाता है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ इनका ₹1,20,000 का। तो उसके बाद इनको 10 साल के बाद कितना रिटर्न यहां पर मिला, हम यहां पर एवरेज जो एनुअल रिटर्न इसको 15% मानकर चलेंगे। देखिए दोस्तों ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक एग्जांपल के लिए हम 15% लेकर चलते हैं, तो इनको जो टोटल अमाउंट बाद में मिलेगा, टोटल वैल्यू इनकी क्या बनेगी वो भी हम यहां पर लिखेंगे। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज के पास एकदम से कहीं से पैसा आया और इन्होंने सीधा ही अपना ₹1,20,000 इन्होंने अपना लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। ड्यूरेशन इनकी भी 10 ही साल है, ड्यूरेशन 10 इयर्स है। इनका भी जो एनुअल रिटर्न है, इनका भी एनुअल रिटर्न हम लोग 15% लेकर चलते हैं। लेकिन सूरज को मार्केट की थोड़ी सी जानकारी है, सूरज ने देखा कि अभी मार्केट डाउन है, अभी मुझे लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों इनको जो टोटल वैल्यू इनकी बनेगी वो क्या बनेगी, अब यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी और इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, तभी आप एक सही डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। अब टोटल वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोनों की क्या बनेगी। दोस्तों यहां अभिषेक ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, इनकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2.79 लाख। इनकी टोटल वैल्यू बनी 2.79 लाख, लेकिन साथ ही साथ जो सूरज ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू क्या बन रही है वो देखने वाली बात है, उसको देखकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। दोस्तों इनकी वैल्यू बनेगी 4.85 लाख। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि लमसम में ज्यादा बेनिफिट है,
चलिए दोस्तों टॉपिक को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों लमसम में यहां देखने में आपको ज्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा अमाउंट हमें मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यह कि क्या आपको मार्केट की जानकारी है, क्या आप मार्केट पे नजर रखते हैं कि कब मार्केट डाउन है और कब अप है, तभी आप लमसम से प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको मार्केट की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है तो आपको एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी में रिटर्न थोड़ा सा कम है लमसम के मुकाबले, लेकिन आपको यहां पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे अभी आपके पास कम है, आप वेट करेंगे कि मेरे पास इकट्ठा पैसा होगा 1,20,000 रुपए तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, उस स्थिति में ये वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहां पर आप मात्र 1,000 रुपए महीने से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का कंपैरिजन मैंने कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए एसआईपी ज्यादा बेस्ट है या आपके लिए लमसम का इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।